हेलो अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोश जगादे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स एंड ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान। लवली अमेजिंग विन स्ट्रेट टू द फाइनल, बहुत मजा आया। इट वाज अमेजिंग, इट वाज लवली टू वॉच द टीम प्ले लाइक दैट। हमारे यहाँ पर पैनल बैठा हुआ है इनसे, सर आप लोग खुश हैं? कल हमने क्या कहा था आपको? आपने कहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। फीलिंग आई, फीलिंग आई। तीनों ने कहा था, तीनों ने कहा था। यार भाई आप हमेशा प्रो पाकिस्तानी रहते हैं, भले कितनी मुश्किल। और मैं बताऊं ऑडियंस को, बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था तो मैंने कहा था कि ये आउट हो गया, अब तो कुछ नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल अवाम वाली बात कर रहा था। ये जो बैठे हैं बीच में जायद भाई, लव ऑफ आवर लाइफ, इन्होंने कहा कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और मेरा अभी भी पाकिस्तान के साथ, मैं दिल है दिमाग में कहता हूँ ये कुछ ना कुछ हो के वापस आ जाएंगे, ये कुछ ना कुछ हो जाता है, अगर होना होगा तो होगा, और ये हो गया। और सर इम्पॉसिबल था कि आउट ऑफ द कप से टीम फाइनल खेल रही है। यार भाई आपसे स्टार्ट, बिल्कुल क्वालिटी पता है ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने आखिर के बाउंस बैक करता है भाई, और एक दफा रियलाइज हो जाए ना उसके बाद आप देखें गेम ही चेंज हो जाता है। और आज लगा, और अक्सर यही होता है पाकिस्तान हमारी जो टीम के प्लेयर्स जो हैं खाली रिलैक्स हो जाते हैं और ईजी ले रहे होते हैं। और मैं जब था भी साथ तो मैं यही कहता था ना यार ईजी कोई नहीं लेता, जाके लड़ो बस। एवरी गेम इज डिफरेंट है, इट्स अ वॉर एवरी डे, और ट्राई एंड ऑक्यूपाई द क्रीज। बैट्समैन के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप विकेट को संभाल के रखें, रन खुद ब खुद होंगे। अग्रीड। अहमद, योर ओपिनियन ऑन दिस, ऑन टुडेज विन, अदरवाइज जो आपने इनके शो में बोला वो नहीं, कोई हमें नहीं। देखिए जहां से हमें स्टार्ट मिला वहां से साउथ अफ्रीका जो नेदरलैंड से हार गया, उससे पहले तक ऐसे ही लग रहा था कि हम अभी आए। और इवन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, उनका भी बयान आया था टू बी ऑनेस्ट यहाँ से बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उम्मीदें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। लेकिन वहाँ से जो हमें एक स्निफ मिली, अल्लाह ताला ने थोड़े से दरवाजे खोले मारे लिए, हम बांग्लादेश से वो मैच जीते, उसके बाद जैसे ही आप क्वालिफाई कर देते ना अफसर भाई, देखिए फिर तो एक टीम को आपने मारना है, सिर्फ एक मैच है, एक मैच है आपने सिर्फ वहां पे साउथ अफ्रीका को मारना था, ठीक है, अपने पूल में जो बड़ी टीम थी, बाकी तो सारी आप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हराएगा, नेदरलैंड को भी हराएगा, इंडिया से अच्छा मैच हो गया, आपने साउथ अफ्रीका को हराना था, थोड़ा सा आसान पूल था। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो नेदरलैंड से हार गया, और उसके बाद तो एक दो मैच जीतने आपने, और दो मैच कभी भी किसी भी टीम के ऊपर नीचे हो जाते। देखिए कोई भी टीम आसमान से नहीं उतरती है, सारे इंसान होते हैं, कभी कभार आप गलतियां भी करते हो, प्रेशर में भी आते हो, जो हमें आज लगा न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम दलेर थी, दलेर इसलिए थी बिकॉज वो जेन बना बैठे थे कि हम तो शायद कल वापस जा रहे हैं पाकिस्तान में, हम तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन से कोई टीम ऊपर आती है तो वो दलेर और शेर बन के खेलती है। एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड ऑलरेडी इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, टॉप ऑफ द टेबल, बड़े जो पूल को हम कहते थे जो यू नो वो पूल बड़ा डेंजरस पूल था, उसमें वो सिटिंग एट द टॉप, उन्हें पता था कि अगर यू नो ये टीम तो कहां जहां से आई है इस पे प्रेशर बड़ा कम होगा, तो पाकिस्तान के लिए यही बड़ा था कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गया। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप खेलते हो तो फियरलेस खेलते हो, प्रेशर कम हो जाता है, जो हमें लगा अफसर भाई ये गेम है प्रेशर की, जो कि आज साफ नजर आया न्यूजीलैंडर्स की बॉडी लैंग्वेज में, वेदर देवर फील्डिंग, वेदर देवर बैटिंग, और वेदर देवर बॉलिंग, देवर नॉट 100% नो। और जहां पाकिस्तान की फील्डिंग देख लें, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग पाकिस्तान में उतर आई है, और बॉलिंग तो हमारी है ही तगड़ी। थ्रू आउट ये मैच को हमने जो है ना बिल्कुल पिन पॉइंट, आई थिंक वी नेल्ड इट टिल द एंड। थैंक गॉड फॉर दैट मिर्ज़ा भाई। यार जोश जगादे तो गिर गया था यार। अरे मिठाई हमसा, फिर मिठाई आ गई, बहुत आला यार, बर्फी खुला है, बर्फी शुक्रिया जी। ओ अजफर भाई गुलाब जामुन खाएंगे, पूरा खाएं, ओ ना 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 पूरा खाएं यार, और बर्फी भी है चौधरी, बर्फी भी है, ओ बर्फी दो, मैंने कहा आज गुलाब जामुन भी ले आते हैं। बर्फी लाए ओए ओए जवेद भाई, को आज ना स्पेशल बर्फी है, बर्फी नहीं आई, बर्फी स्पेशल है, स्पेशल वाली है, आपने बनाई है टैट है ना, नहीं नहीं बोलो टैट है, टैट ने पूरी रखे ना यार, नहीं नहीं आ रहा पूरी रखे, ओ यार नहीं ये डाइट वाली बर्फी है, इसमें चीनी नहीं, इसमें मोहब्बत है, खलूस है, हम पाकिस्तानियों को शुक्रिया। यार क्या खेला है आज पाकिस्तान यार, बड़ा मजा आया। ओ यार मैं तो ख्वाब देख रहा था यार, 12 बजे मैंने चुटकी नोची अपने आप को, मैंने कहा यार ये बाबर कैसे खेल रहा है यार, क्या हो गया उसको, हाँ ये क्या हो गया, 12 बजे चुटकी मैच तो 1 बजे शुरू हुआ, आपने चुटकी पहले से नोच ली,
वहां ना तो वो यार मैं मतलब रात को 12 बजे में अब देखे ना आप ये भी भूल गए कि 12 तो अभी बचे ही नहीं है। देखे ना मिर्जा साहब फसाता मैं ऐसे हूँ इंसान को है। अच्छा तो बताया तुम रिजवान को क्या हो गया था, इनको क्या ओपनिंग पार्टनरशिप कैसे अच्छी होगी हमारी? ओपनर मिल गया हमें वो ना अनहोनी हुई मैं बता रहा हूँ। ये जो साथ वाले ममालिक वालों ने जो जादू शादू किया ना वो उल्टा अभी पूछते हैं कि जाओ ना कहाँ ले जा रहे हो, हम लोग खाएंगे ना अभी लात तो और ले देंगे ना मिर्जा साहब, एक दाना आपने रखा है आप और भी लेना चाहते हैं? ये वाला बस चाय खुदा पानी। वाह रे मिर्जा भाई ये आ गया मैचिंग मिठाई विद द क्लोज क्लोज पानी। वाह भाई वाह। अच्छा जी मिर्जा भाई आपको मजा आ गया भाई, थैंक यू थैंक यू फॉर द मिठाई सर। नहीं बस आपकी आंखों में नजर आ रहा है। जावेद भाई क्या कह रहे हैं, जेब में डाल ली? कोट की जेब में डाल ली। जावेद भाई बड़ा खुश थे आज सुबह से। जावेद भाई जैसे ही पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जीता, जावेद भाई आज मैंने इनको जितना खुश ऑफ द सेट देखा है ना, इकबाल भाई को भी और इन्हें भी सुबह वाले शो में भी, मैंने पूरे 30 दिन नहीं देखा जितना मैंने आज। जावेद भाई कल ट्रीट देंगे पाकिस्तान के जीतने की खुशी में। आप फ्री टाइम आओगे? अच्छा देखिए अब मैं बताऊं। अच्छा बताएं, 6 नवंबर को किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के फाइनल में चला जाएगा, आज 9 नवंबर है, 3 दिन के अंदर सारा सिनेरियो चेंज हो गया। ऐसे ही है, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, और कहानी साडे नाल रहोगे ऐशरोगे। अच्छा जावेद भाई और अहमद इंसान दोनों ने, अभी आपने हमने कहा था कि रिजवान ऑफ पे अच्छा नहीं खेला, तो आपने कुछ बात की थी तो हमने वो क्लिप निकाला है। अभी 2-3 दिन पहले आपने कहा था जैसा वो लोग आपने क्या कहा था हमारे शो में ऑडियो डिपेंड करता है, अगर ऑफसाइड खेलना है सिस्टम लेके खेलना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप मिडल लेते हैं तो इसका मतलब आपको वी में खेलना पड़ता है, क्योंकि उतना ज्यादा आपको भार नहीं मिलेगा बॉल, और लेग स्टम्प लेंगे तो आपको थोड़ा सा भी होगा वो भार लगता है, वो आप कट भी मारते हैं ये खाते हैं। अगर आप बीच में आ जाएंगे मिडल में आ जाएंगे आपको सामने खेलना पड़ेगा, स्लिप में जाने के चांस, गार्ड ऑफ का लेके, क्योंकि इतनी जल्दी आदमी जज नहीं करता। हाँ ना, क्योंकि आप बीच में है ना, बीच में खड़े रह के खेलने से एक फायदा है, आपको पता है कि वो आ जाएंगे मिडल। अब 19-20 थोड़ी सी भी इधर होगी ना आपको पता है ये भाग बॉल है, तो बैट्समैन को जज करना पड़ता है और अपनी ये प्लान करना पड़ता है। जावेद भाई अगेन, अगर आप एक टेक्निक से खेलते जाएंगे तो उसी एक ही गार्ड से खेलते जाएंगे, लेग स्टम्प लेते हैं, मगर आपने एक बार दफा शफल करना होता है। हाँ। कभी आपको किस तरह खेलना होता तो क्रिकेट में एक चीज एक टेक्निक नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द बॉलर और फील्ड आपको एडजस्ट करना है। जैसे आप फील्ड देखते हैं ना उससे आपको आधी क्रिकेट समझ आनी चाहिए कि बॉलर करेगा, और थोड़ा सा बातें हो रही है समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा ऑफ साइड गेम उसकी थोड़ी सी वीक हो रही है, जिस टाइम वो 2-3 क्योंकि अब उसको जो बॉलर्स है ना बहुत बाहर बॉलिंग कर रहे हैं और वो लूज बॉल कर रहे हैं, अगर वहां से कहीं वो सिर्फ बल्ले भी लगाए चौके मिल जाए तो बॉलर वापस उसकी स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, फिर वो लेग पे खेलना समझ आ गई आपको? लेकिन तो वो जहां पे अब उसने वहां पे 2-3 चौके मार दिए, अब मसला ये हो रहा है कि वो यहां से आउट हो ही जा रहा है और साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर जा रहा है। जिस दिन उसने अपनी थोड़ी सी गेम डेवलप कर ली है, शॉट थोड़े से पक्के कर लिए, एक दो ऊपर से मार दी, बॉलर वापस उसके जो स्ट्रेंथ है वहां पे आ जाएगा और लात पे वो अच्छा खेलता है। एक्सीलेंट यार। Well, आज आज पता है मैं कथा कर रहा हूं, जावेद बनी जो बोला आज उसने पहली गेंद ट्रेंड बोल्ड ने रिजवान को ऑफ स्टंप पे की और कितनी जोर से मार दिया, चौका मार दिया। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात मैंने दोनों की जगवाई थी, इसलिए मैंने थॉट किया यार ये बिल्कुल अभी बात हो रही थी इसकी, और अहमद ने भी सही कहा, जावेद आपने भी सही कहा, उसने वो सफल भी किया, उसने जगह बना के ऑफ को कॉन्फिडेंस से शॉट मारा, और अहमद की बात सही थी कि जैसे ही शॉट मारा है तो उसकी वो ऑटोमेटिकली बॉलिंग उसकी उसकी स्ट्रेंथ पर आना शुरू हो गई, फिर उसने मारा है दबा के। रिजवान बहुत अकेला है, क्योंकि देखिए क्रिकेट में आपको अपने मुताबिक आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रीड कर ले और फिर बॉलर को अपने मुताबिक खिलाए, वो खेलेगा, वो कराएगा वैसे बॉलिंग खेलेगा खिलाएगा और खेलेगा भी। राइट पब्लिक की दुआएं
कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम। आप भी इस पे आगे रमीज भाई की बातों पे आ गए। नहीं नहीं, कुदरत का निज़ाम तो ये अल्लाह ताला कहता है मेहनत भी तो करो ना, अल्लाह ताला उसी वक्त नवाजता है। क्यों जावेद भाई, जब तक आप बगैर मेहनत के सिर्फ अल्लाह पे आप छोड़ देंगे तो नहीं होता, इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए। तो उन्होंने कोशिश की, इनसे पूछते हैं ना इंडियन भाई बैठे हुए कि भाई ये कुदरत का निज़ाम चल गया आप अभी यार, ये तो म्यूट पे लग गया, म्यूट पे लग गए, अफसोस हो रहा है आपको? मुझे क्यों अफसोस होगा, आज अफसोस हुआ है न्यूजीलैंड वालों को और मोहम्मद आमिर को। हमें क्यों अफसोस होगा, ये तो वही बात होगी ना, बच्चा फेल होता रहता है, किसी ने उसके 51 आ गए तो मिठाइयां आ गई, जश्न आ गए, ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स। हम तो वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो हमें लगता है कुछ भी नहीं किया, आप लोग फाइनल में पहुंच के इस तरह भगड़े डाल रहे हो, छोटे लोग। क्या मसला है, हम आपके मुल्क आते हैं, कभी आप चाय पिला देते हैं, कभी आप मिठाई खिला देते हैं, कभी फैंटास्टिक मिठाई, फैंटास्टिक चाय नहीं पीनी हमने, मिठाई दो मिठाई दो मिठाई दो, छोटी खुशियां, मिठाई खिलाने का मकसद है कि मुंह बंद कर ले यार, ट्राई करते। अच्छा जी, एक एक बड़ा ये देखिए बैटिंग है जी रिजवान की, जबरदस्त इनिंग्स, अब वही वाली बात के ऑफ पे खेल रहे हैं और खुल के खेल रहे हैं, एम वाली बात ये देखें, अब वो स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, अब उसने घुमाना शुरू कर। देखिए यही होता है जब आप अपना बॉलर आपको प्लान करके आए बाहर, अब हो ये रहा था कि वो यहाँ के बॉलों पे आउट हो रहा था, जैसे ही वो दो बॉल गैप में गए बॉलर वापस उसकी स्ट्रेंथ पे आ गए, फाइन लेग पे भी चौके मिले उसने, यहाँ से भी बीच में है उसने वहां खींचे। जावेद भाई ने भी अच्छी बात की थी, जावेद भाई ने बहुत टेक्निकल बात की थी, और यही मैंने थोड़ा आसान लफ्जों में बोल दिया था कि जैसे ही आप जो आप अपनी वीकनेस है वहाँ जहाँ बॉलर आपको कर रहा हो वहाँ से आप दो तीन चौके निकाल लेते हैं तो बॉलर हैज नो अदर ऑप्शन बट टू कम बैक टू योर स्ट्रेंथ। अच्छा वो वाली टिपिकल हरकत, देखिए इंटेंट नजर आया आज, जो सबसे बेहतर चीज थी, कंफ्यूज और पजल हो जाता है मिडिल में अगर खड़े होकर आप खेलना शुरू होंगे उसको समझ नहीं है क्या, क्यों एक ही चांस है आप मिस कर दो तो LW मतलब क्यों मिस हो, यू गॉट अ बैट, तो आप तो खेलने के लिए है ना, तो प्लेयरों को जो भी देखे खेलने के लिए जाओ। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला हमारे पास जी बाबर आजम ने आज फाइनली, हेडन ने कहा था, हेडन ने प्रेडिक्शन की थी कि भाई कल मैंने आपको बताया था अकेले नेट प्रैक्टिस कर रहा था, अकेला अच्छा एफर्ट मारा था और हेडन ने कहा था कि जी तूफान से पहले जो है वो लल होता है और दिस इज द स्टॉर्म इन द वेटिंग, और ये हो गया और पहली बॉल पर कैच भी ड्रॉप हुआ, सारा करियर वगैरह खत्म होने लगा था पहली बॉल पर, बट देन फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और कुदरत का निज़ाम अल्लाह कहता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट कैच है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेक शिफ्ट जो कीपर होते हैं वो कभी कभार आपको ऐसे मैच में ऐसी क्रूशियल चीज़ छोड़ देते हैं कि अब ये रॉन्ग फुट हुए थे, और अगर ये 150 के मैच में ये कैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर ये 175 होता तो समझ आती, लेकिन ये मेक शिफ्ट कीपर जो होते हैं मैं इसलिए बोलता हूँ वो कभी कभार आपके काम आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये हर्ट है, इवन T20 में भी आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, और आज हमने देखा अगर बाबर का यहाँ पे कैच हुआ होता तो मैच कहाँ से कहाँ होना था, यू नेवर नो। अगर बाबर के साथ कोई और भी खेल रहा होता ना जी तो फिर भी मुसीबत पड़ती। हाँ आई टोटली एग्री, एंड आल्सो रज भाई क्योंकि वो दूसरा जब प्लेयर था ना वो प्लेयर उसने ना मतलब कॉन्फिडेंस दिलाता है ना, हाँ, बिल्कुल तो बैट्समैन जो भी सुनना है देखे आप जितना खेलते हो तो आप सामने वाले को भी कॉन्फिडेंट, अगर मैं ही यूं खेलूंगा तो आपका क्या हाल होगा, तो पता नहीं क्या गोलियां चल रही है, तो अक्सर यही होता था कि आप बिलीव करो जब मैं खेलता था ना मैं कभी मैच देखता ही नहीं था, नहीं आराम से अपना इधर उधर उधर के मुझे पता है अंदर क्योंकि आपकी टेक्निक वो घबरा रही है तो मुझे भी जाते हुए ना क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, बड़े काम की बातें बता रहे हैं जावेद, तो मैं अपना रिलैक्स बिल्कुल मुझे बहुत ही नहीं गाने गा रहा हूँ यूं करके क्योंकि उनकी क्रिकेट में मेरी क्रिकेट में वो तो है ना हमें और अंदर ही है ना हमें डरा है क्या पता नहीं क्या गोली हो जाके खेलो तो कुछ एक छोटी सी बात अहमद बताइए आपके ख्याल में देख के इनकी बैटिंग बाबर की आज आपको लगा उनकी फॉर्म वापस आ गई है या आज दिलेरी में कर गए हैं? नहीं नहीं बिल्कुल देखिए दिलेरी ही सब कुछ है, आपने थोड़ा सा आज इंटेंट शो किया आप ऊपर से मारने गए आपका इंटेंट नजर आया अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है यही सारी कौम हम सब यही बातें कर रहे हैं। रिजवान ने भी इवन वो जो सऊदी को दो चौके मारे हैं वो रिस्की शॉट थे, आपको रिस्क लेना है पावर प्ले में, थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि जो हमारी बॉलिंग ने स्कोर ऐसा किया हुआ था जो पाकिस्तानी बैटिंग को सूट करता है, दूसरा जो पिच का बाउंस था वो थोड़ा सा एशियन टाइप था, ये पिच भी सूट कर रही थी पाकिस्तान को, तो वही बात है कि जब अल्लाह ताला ने आपको किसी कोई चीज देनी होती है तो चीजें जो है ना आपके हक में लेके आता है, और पाकिस्तान ने जिस तरह की आज बॉलिंग की जिस तरह की आज बैटिंग की जिस तरह की आज फील्डिंग की एट द सेम टाइम
इसी तरह जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपनी बॉलिंग की और बैटिंग की और फील्डिंग की उससे बिल्कुल ऑपोजिट की, आज न्यूजीलैंड ने अपना बदतरीन मैच खेला है पूरे वर्ल्ड कप में और वो उनको भी पता है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मिर्ज़ा भाई की बात कंप्लीट करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोश जगादे ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। मिर्ज़ा साहब कुछ बात कर रहे थे, बेग साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये बता रहा था कि इस मैच से पहले जो पावर प्ले में पाकिस्तान का स्कोर जो एवरेज स्कोर था वो 5.9 एवरेज, दैट्स राइट, ठीक है। आज पाकिस्तान ने पावर प्ले में 55 रन बनाए 6 ओवर्स में, और इसके बरक्स न्यूजीलैंड ने 6 ओवर में 38 रन बनाए, उनके 2 आउट हुए। तो पावर प्ले का जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि 6 ओवर में 55 रन तकरीबन 9 से भी ज़्यादा का एवरेज, उससे पाकिस्तान को बहुत बूस्ट हुआ। आप बताइए जरा साहब, मेरे ख्याल से आज सुबह न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की जर्सी पहना दी थी और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की जर्सी पहना दी थी। लग तो ऐसे ही रहा था, फील्डिंग हम कर रहे थे, कैच वो ड्रॉप कर रहे थे। देखिए इंडियन बाबर अपना ही था, रिजवान भी अपना ही था, मतलब अंदर बंदा अपना ही था, बंदे अपने ही थे। आप लोग मुझे समझ नहीं आते, मतलब सूर्या कुमार यादव ऑफ स्टंप से बाहर जाके छक्के मार रहा था, हम बोलते हैं ये तो रोज करता है। रिजवान ने 2 चौके मार दिए, आप लोग तो उसको वजीर आजम बनाने पे आ गए हो। छोटी 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 चीजें आप लोग सेलिब्रेट करते हो। जिसका जिस प्लेयर का नाम सूर्या हो ना, उसको तो हम प्लेयर नहीं मानते। और यादव तो इसीलिए तो आप लोगों की स्ट्राइक रेट ये है, हमेशा बड़ी चीज देते हैं। आप लोग 30 साल पुरानी विक्ट्री अब तक लेकर बैठे हुए हो, उसके बाद कुछ जीते नहीं हो, फाइनल में आ गए, ईद हो गई आप लोगों की, भाई आपकी खुशी यही तक। 2013 के बाद से भारत कोई टूर्नामेंट नहीं जीता, 9 साल हो गए चैंपियंस ट्रॉफी शो मचा रहे। भाई जान आप सब लोग ना पिछले वाली विक्ट्रियां सारी भूल जाओ, ठीक है। आप आपका आज की विक्ट्री याद है? आज जावेद भाई ने टीम इंडिया के लिए, इनसे पूछो छक्का लगा था, रो रहे थे कब तक रोते थे? जावेद भाई आज आप ब्लू पहन कर आए हैं टीम इंडिया वाला, वो अभी ना वो घर जाके ना ब्लू उतार के फेंक देंगे। हम चेतन शर्मा उस दिन भूल गए थे जिस दिन जोगिंदर शर्मा ने कैच ले लिया था मिसबाउल हक का। चेतन कभी शर्माता है जो उसने अपना नाम शर्मा रखा है? अनुष्का शर्मा, रोहित शर्मा, जोगिंदर शर्मा, हर शर्मा इंडिया को जिताता है। कल शर्माएंगे, फिक्र ना करें प्रॉपर्ली। अच्छा जी, थैंक यू फॉर सपोर्ट वेयरिंग ब्लू टीम इंडिया। ये ब्लू है आपके सैडनेस के लिए, इंडिया सैडनेस, जेलसी आपकी, जेलसी जो है शुड बी बीइंग रेड। क्रिकेटर सैड है सिर्फ। अच्छा अच्छा जी, मैं बताता हूँ आपको, मुझे बताया न्यूजीलैंड की फील्डिंग में, बल्कि अहमद आपसे पूछते हैं, न्यूजीलैंड की फील्डिंग में हमें लगा कि कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, उसके अलावा वो वाली जो जैसे आप बोलते हैं कि इंटेंट नहीं थी, दौड़ नहीं रहे बॉल के पीछे, और फिर एज अ टीम मुझे लगा कि दे वरंट रियली फाइटिंग। देखिए छोटा टारगेट आप जब डिफेंड करने आते हैं, आपको पहली बॉल से ऑन द मनी होना है। पहला ही बॉल जो बोल्ट ने किया वो ऑफलाइन किया, पहली ही बॉल पे रिजवान को फ्री भी दिया, रिजवान ने बल्ला लगाया, चौका हो गया। इसके बाद प्रेशर बिल्ड करना है, आप एक ही तरीके से मैच जीतते हो, या तो आप अपफ्रंट विकेटें लो, जो कि उन्होंने ट्राई की, जबकि कोकोबुरा का बॉल 2 ओवर तक स्विंग करता है, उन्होंने अपफ्रंट ट्राई की विकेट लेने की, नहीं उनको विकेट मिली। उसके बाद उनका प्लान ये हुआ था कि अच्छा हम सफोकेट करेंगे, मेक श्योर करेंगे जो है ना फास्ट बॉलर्स दायरे में इनको सफोकेट करेंगे, और स्पिनर्स के साथ भी आके हम सफोकेट करेंगे, एंड में हम इनको पकड़ेंगे। वो नहीं हुआ, हमने ऑफलाइन बॉलिंग देखी, कंपनसेट करने के बोल्ट सऊदी, जब उन्होंने ऑफलाइन यहाँ पे किया उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ पे आए तो उनको फाइनल लेग पे भी चौके। फिर उनकी जो स्पिनर्स का कंट्रीब्यूशन था आज, आई थिंक बहुत गंदी बॉलिंग की है इस सोदी ने और सेंटनर दोनों ने, टर्न हो रहा था, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आज जो उनकी लेंथ थी बहुत पीछे और बहुत तेज बॉलिंग की है। एक ही बॉल सोदी का आज लाइन पे गिरा है, जो अच्छी लाइन से टर्न हुआ है वो प्लेयर ना मिस हुआ है। पिच में इतना परचेस था कि स्पिनर उनको हेल्प करें, वो वहाँ पे उनको उस तरह की बॉलिंग करके नहीं दे रहे थे। उसके बाद जो ड्रॉप कैच था, यू नो यहाँ पे भी वो बेबस नजर आए, उनको पता था कि 150 के टारगेट में अर्ली विकेट कैसी है। फिर दूसरा थर्ड मैन से जो दुक्का लिया बाबर आजम ने, वहां पे भी अगर कीपर वापस स्टंप के पीछे होते तो वो भी रन आउट था। फिर तीसरा आपने एक और कैच छोड़ा, फिर चौथा बोल्ट शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े हुए थे, जब रन आउट का चांस था तो बोल्ट ने थ्रो मारी, सोदी फिर विकेट के पीछे नहीं गए हुए थे, और जो है ना अगर वो विकेट के पीछे होते बॉल कलेक्ट करके लगाते तो आउट था। तो उनकी वो हेल्पलेस नजर आए, जब 1,00,000 का क्राउड बैठा होता है, इतना प्रेशर होता है, आप लोगों को चीखे नहीं मार सकते हैं, आपका जो प्रोसेस होता है आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और टीम आपको रिस्पॉन्ड करती है। आज उनकी टीम ने केन विलियमसन को रिस्पॉन्ड वो नहीं किया जो वो उनसे चाहते थे। और जी सब बात करते हैं कैप्टनसी के ऊपर, ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसने उठाए हैं, स्पेशली अब सारे पॉइंट्स गिरते हैं कैप्टन के ऊपर कि टीम को वो चाह रहा है कि
टीम कुछ करे, परफॉर्म करे, वो अकेला क्या करेगा? तो ऐसे कैप्टन आप बताइए कि ये प्रेशर में क्रम्बल करती है टीम और कैप्टन हेल्पलेस हो जाता है, या वो डांटना विटना शुरू कर दे, वो क्या करे टीम को उठाने के लिए उस वक्त? नहीं देखिए, लाजमी बात है, कप्तान जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है और जब देखता है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि देख कैप्टन नंबर वन पे है ना, उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो परफॉर्म करेगा ना परफॉर्म किया तो उसके सब अंडर आ जाते हैं, फिर चुप होते हैं ना, जब थोड़ा सा 19-20 हो। अब बाबर जो है आपको नजर आती है, बाद दफा नहीं आ रही, हालांकि ये मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जब आप टीम सामने अच्छे ही खेल रही है तो फिर इसी तरीके से नजर आता है, ये वही प्लेयर रहेंगे जो अभी एक दो मैच जबरदस्त है, सही है ना? तो टीम के ऊपर फर्क होता है, जब आप अच्छा खेल रहे होंगे ना, मैं आपको मरगल्ले से नजर आ रहे होते हैं, जब आप परफॉर्म अच्छा कर रहे होते हैं, जब टीम अच्छा खेल रही होती है, सामने वाली टीम ऑर्डिनरी लग रही होती है, तो ये तो एक बैटल है। अब बैटल में आपको कौन किस से कौन वक्त वक्त पे मेरी वो आई अंडरस्टैंड जब अभी बात समझ में अहमद कंटिन्यू करें। केन विलियमसन जो है, देखिए जब वो आए एक विकेट गिरी हुई थी और फिर कॉनवे भी गलत टाइम पे उनको छोड़ के पावर प्ले के अंदर आखिरी ओवर में शादाब ने बड़ा अच्छा रन आउट किया, उसके बाद उनका जो प्लान था वो यही था कि मैच को लंबा लेके जाना डीप, जो कि उन्होंने मिचेल के साथ बड़े अच्छे तरीके से निभाया भी। आखिरी 3 से 4 ओवर अगर आप देखेंगे जो उन्होंने प्लेटफॉर्म ले किया हुआ था, उस पे जो प्लेटफॉर्म ले किया था, विकेट इन हाथ में रखी थी कि हम एंड वाले 3 ओवरों में 35-40 स्कोर बनाएंगे, दे विल फैंसी देयर चांसेस, लेकिन उनसे हिट नहीं लगी। और विलियम भी आउट हो गया, और जिसमें क्रेडिट यही जाता है पाकिस्तान ने अपनी जो बड़ी बाउंड्री थी उसको एक्सप्लॉइट किया और बड़ी बाउंड्री की तरफ उन्हें फोर्स किया के मारे और अच्छे यॉर्कर्स अच्छे स्लो बॉल किए, क्रेडिट ये जाता है, लेकिन जो विलियमसन का प्लान था नहीं, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। वो चाहते थे कि 165 तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाए, लेकिन मसला जो उन्हें आया वो ये आया कि जो रिस्पॉन्ड अंडर प्रेशर वो अपनी टीम से चाहते थे। देखें, आप जितने मर्जी प्लान बार बना के आ जाएं, आप इस तरह का माहौल चल रहा होता है, आपका टाइम लेट हो रहा था, जिस तरह आपने बात की ना कप्तान किस तरह कंट्रोल करे, आपके पास सिर्फ थोड़ा ही टाइम होता है ग्राउंड के अंदर, बिकॉज अब रूल्स ये हैं कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं और आपके ओवर्स का टाइम खत्म हो गया तो एक फील्डर एंड में ऊपर आ जाएगा, तो वो जो आप आउट करते हैं ना उसमें आपको जो है ना मोमेंटम और गैदर में आप टॉक करते हैं, आप देखे उन्हें आउट मिले ही नहीं, 105 की तो पार्टनरशिप हो गई, उनको वो मीटिंग करने का वो इंतजार करते नजर आए कि अभी आउट हो, अभी आउट हो, अभी आउट हो, लेकिन इनको मौका मिला नहीं। मीटिंग से कोई फर्क पड़ता भी नहीं, बिकॉज यू कैन टेल फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज के वो ऑलरेडी गिव अप करना शुरू हो गए, मतलब स्कोर आगे हुए थे ना, अगर वो देखे आउट उन्हें मिल जाता, जब आउट मिलता है टीम खड़ी हो जाती है और एट द सेम टाइम आपको 2-3 मिनट मिलते हैं कप्तान को, गाइस कम ऑन लिसन वी गॉट टू डू दिस यू नो लेट्स सपोकेट देम लेट्स डू दिस लेट्स डू दैट, लेकिन इस चीज का उन्हें टाइम आज बिल्कुल मिला नहीं क्योंकि हमारे ओपनर्स बहुत जबरदस्त खेले। और जी सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी कम बैक एंड टॉक टू मिर्ज़ा साहब एंड आवर फ्रेंड्स हियर। वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, हम उस पर थोड़ा खेलेंगे। वन सब से सवाल पूछूंगा, आप लोगों से ही पूछूंगा। मिर्ज़ा भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, जवाब सिर्फ आपने येस या नो में देना, डन है? ओके जी। अगर मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री ऑफर हो करेंगे? नो। नो जाद भाई, अगर इंडियन टीम की कोचिंग का मौका मिले करेंगे? नो। यार करेंगे, बड़ी टीम है। नो 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 ओके अहमद, अगर मिडिल ऑर्डर को के लिए खेलने के लिए बुलाएं तो टीम में डेफिनेटली ये प्रॉपर यस कर यस नो यस नो यस यस ओके मैं भी खेलनी मिडिल शान ऑर्डर के लिए शान मसूद बन गया अहमद हां ओपनर वो भी है हां भाई बजा भाई भाई शान मसूद क्या कहता है जाओ भाई की बात मैं बताऊं मुल्क के लिए ना सिर्फ पानी पिलाने का भी मौका दे दो इंशाल्लाह मैं वहां भी पानी पिलाने का मौका सिर्फ पानी वाटर बॉय आपको अहमद भाई को बोले कि फास्ट बॉलिंग क्या बात क्या बात पानी पिलाने का अहमद शहजाद को मौका नहीं मिलेगा जिस दिन से इन्होंने पीसीबी का तोलिया चुराया ना उन्होंने बैन अंडर पाकिस्तान अंडर 19 आ रही है और मैच होना है अहमद को डाल सकते लगता है 19 ही है चलिए जी बल्कि 18 रहना चाहिए अच्छा जी मैं भी आप लोग कहते हैं आप समझते हैं कि आपको क्रिकेट का सब पता है नहीं नो no, अच्छा no. जाद भाई अगर किसी फिल्म पाकिस्तानी फिल्म में रोमांटिक हीरो का रोल मिले करेंगे
बहुत ऑफर तो बहुत ही आज तक नहीं की। कैरेक्टर का रोल करेंगे। कौन सी ऑफर थी? यस नहीं किया। किस फिल्म में ये वो? कह रहे हैं ऑफर थी लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं किया। किस फिल्म की? कोई हमें भी फिल्म बता। मैं समझता हूं कि जो स्पोर्ट्समैन है ना जिस फील्ड में उसमें ये अच्छे लगते हैं। यार भाई कह रहे पहले बताओ ऑपोजिट कौन है फिर यस नो पूछे। ये भी बात है ना वो लिखा हुआ इन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है। अच्छा अहमद अगर कश्ती में जा रहे हो दो बंदों की जगह सिर्फ जगह हो और बंदे तीन हो उसमें आप यूनुस और शाहिद अफरीदी तो अपने साथ किसको चूज करेंगे यूनुस भाई या शाहिद अफरीदी? सर मैं अपने आप को गिरा दूंगा उन दोनों को चले जाए। ये होता है ना ये होता है जब अभी भी मौका हो टीम में आने का ना ये होता है। अच्छा ये टीम में आने का मौका नहीं ये बड़ों की इज्जत होता है। अच्छा ओके इज्जत और एहतराम लाजिम है जिस तरह कौमी तराने का एहतराम लाजिम होता है सब बड़ों की इज्जत लाजिम। अच्छा ओके इमरान अच्छा इमामुल हक अजहर अली टेस्ट के बेहतरीन ओपनर्स हैं। अजहर अली नहीं यस और नो? ड्रेसिंग रूम में गिफ्ट पैकेज है वो इमाम से आया है। यार ये इमाम बोला बेस्ट ओपनर है टेस्ट के सुन ले रन्स किए उसने चाचू आप सुन रहे हैं चाचू पिंडी टेस्ट आपने देखा नहीं पिंडी टेस्ट में उसने शान मसूद के साथ उसने डबल सेंचुरी की पिंडी टेस्ट तो शान और वो अच्छे हुए ना नहीं अजहर अली ज्यादा। अच्छा जाद भाई पीएसएल में आप समझी मिलके एक टीम खरीदें और उस टीम के ओपनर्स किन को लेंगे अगर दो ओपनर सही हो आपको टीम में भले पुराने ले भले पुराने चूज कर ले सही दिन में वो तो देखना पड़ेगा ना देखना पड़ेगा प्लेयर लिस्ट देखनी पड़ेगी उसमें क्यों ओपनर एक नहीं बहुत एक तो साथ बैठे बस नहीं देंगे आप सईद भाई मुझे मेरे वन ऑफ द मैं वही मैंने कहा था कि पहले रिक्वेस्ट करूंगा नाम आ के उसके बाद है ना वो तो मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए तैयार है आप करें इनको ले लें अभी उसने तो कहा है ना मिडिल ऑर्डर में नहीं वो तो अच्छा अभी कह रहे और कह रहे मामूल को ले ले कैसा की किसको ले ले अबे भाई सबको ले ले मैं ये कह रहा हूं जिसको दिल करता ले ले आप सईद भाई को जरूर ले ले ठीक है सईद भाई को सईद भाई ओपनर बहुत टाइट थे यार। अच्छा अहमद टीम की स्ट्राइक रेट लो नहीं हो सकती वरना जावेद भाई की जो स्ट्राइक रेट होगी ना छोड़ के चले ना अब आप बुलाओगे कुछ भी कर लो फिर भी नहीं आएंगे तो ये होता है ना बंदा ये होता है बंदा नहीं वो मतलब अपनी फील्ड में माशाल्लाह जिस फील्ड में है वो वहीं पे तो ये तो नहीं ना करते मैं यहाँ भी। अच्छा ये देखिए एक स्पेशलिस्ट और हैं जहाँ पर पाकिस्तान जबरदस्त स्पेशलिस्ट रहे हैं बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रजाक हमेशा से यस और नो? यस अहमद छा गए यहाँ पर दैट वाज द एंड ऑफ द राउंड। दो तीन सवाल आपसे भी वोटिंग फॉर इंग्लैंड टुमारो अब तक आप 30 साल पुरानी हाईलाइट इंग्लैंड की देख रहे हैं पूरा मुल्क 92 की हाईलाइट पे चल रहा है अब नया हाईलाइट आने वाला। आप लोग की दुआएं मांगे क्योंकि इंडिया आ गया तो फिर अच्छा नहीं है ना मैच 2 घंटे का होगा आप लोगों ने तो 200 यार ये एक अफरीदी ना अश्विन को 2 छक्के लगा रहा है वीडियो देखी है देखा ना यार ये वो होते हैं जो लड़की लड़की किसी और से शादी कर चुकी होती है ये बोलते हैं ये देखो जब 16 साल की थी तब मेरे साथ तस्वीर खिंचाई थी पुरानी यादों में फंसे हुए हैं लेकिन बात तो 16 साल की होती है ना 40 साल में वाह 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 ये है ना पाकिस्तानी तो 10 ओवर में आपको 200 मारेंगे। अजय क्वेश्चन में मजा आ रहा करते रहो यार। हाँ और करते हैं। अच्छा कभी किसी फैन ने परेशान किया मिर्ज़ा आपको ऐसा कुछ हुआ कि भाई आप बहुत बातें कर रहे हैं आगे पीछे? नहीं वो सुबह सुबह फोन करके पूछ रहे हैं मैच कितने बजे शुरू होगा ये पूछ रहे हैं मैच शुरू कितने बजे आप गूगल चल रहे हैं। और किसी प्लेयर ने फोन करके बोला यार एक काम करो सर इसके खिलाफ तो सर कुछ एक आध बातें कर ऑफ कोर्स यार मिर्ज़ा भाई अब ये झूठ नहीं एक प्लेयर जो है प्लेयर ये कहता है कि देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं रनिंग कर रहा हूँ मैं फिटनेस है और आहिस्ता आहिस्ता मैं T20 भी खेलूंगा वनडे भी खेल लो टेस्ट भी खेल लो T20 नहीं तो ये नहीं यही कहता कि कौन सा प्लेयर है पूछे आप एक ही प्लेयर तीनों चीजें खेल रहा है कौन रिजवान नहीं नहीं जो आने के लिए चाह रहा है दो खेलना है एक फॉर्मेट में नहीं। अपने ग्रीवेंसेस इनको काफी प्लेयर्स मैंने खुद अपने जो जाहिर बात है क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सीनियर है हमारे साथ भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हमने इन तक डेफिनेटली पहुंचाई हैं जब भी इनसे बातचीत हुई है इनको एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इनको चीजों को डेफिनेटली बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ये रब्ते रहे हैं इनके आजकल थोड़े से कम है लेकिन पुराने दिनों में इनके बहुत रब्ते एक प्लेयर के साथ है मामूल
आज तो लगता है टीम में आई जाएगी, बड़ी फिटनेस पे बहुत तवज्जो दे रहा है, लेकिन टी20 में जगह नहीं बन रही। नहीं नहीं यार, खिला देंगे, आ जाएगा, खिला देंगे, दोस्ती चल रही है। मेरा तो वैसे ही दोस्त सारे दोस्त हैं। अच्छा ये बताएं कि किसी फैन ने कोई ऐसी हरकत की आपके साथ जिसमें आपको लगा यार इसको पीछे करो, इसका क्या करें? हां, फैन ने ये हरकत ने ऐसे नहीं कि क्या किया था, श्रीलंका में थे, पूरी टीम पाकिस्तानी खड़ी थी, बड़े बड़े स्टार थे, तो एक खातून आई जिन्होंने लड़की थी छोटी बेचारी, सारे ढाई कलर उसके लाइक स्ट्रीक्स नहीं सारे बहुत ज्यादा क्या कलर है ब्लॉन्ड कलर के ना सारे, आके वो रोने ही लग गए और सीनियर सारे खड़े हुए टीम में और क्या आपने मुझे अनफॉलो कर दिया ट्विटर पे, मैंने कहा यार मैंने आपको फॉलो कब किया था ये, तो खैर इससे होता ये है कि वो तो बेचारी चली गई, वो ऐसा काम डाल के चली गई मेरे साथ कि जिसकी वजह से जो है ना बड़ी देर तक जो है आप ब्लॉन्ड बालों से कंफ्यूज हो गए, वो लड़की नहीं मलिंगा था पॉसिबल कोलंबो की ये बात है। आखिरी सवाल पे ब्रेक पे जाएंगे, बताइए फटाफट आपसे किसी फैन ने कोई ऐसी चीज की आपने बोला होगा यार कहां फंसा दिया? नहीं ऐसी तो कभी मुझे बहुत ज्यादा प्यार किसी को लड़की ने कोई प्रेम पत्र इंडिया से भेज दिया कुछ किया हो जिसमें कमरे में नॉक करके आ गई हो, व्हाट इज योर रूम नंबर? कभी नहीं। पहली बात तो हिम्मत नहीं होती थी, मैं आपको आपसे हम लोग के सीनियर प्लेयर मैं बताऊं हिम्मत की तो है ना बड़ा बेगम लोग सिफारिशें करके आके मिलते थे किसी ना किसी को कह के। अच्छा मिर्जा भाई बात बताइए, सो रहे आप उठ जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि 79 के टूर पे एक चाचा मियां जो थे वो एक डब्बा सा लेकर आए के प्लेयर से कह रहे थे बाल कटा लो, नहीं नहीं बाल कटा लो, हेयर ड्रेसर थे तो कोई बाल नहीं कटा रहा था, एक बाल खासे मुझे बताते हैं कि पहले मैंने जब कटवाए तो बड़े जबरदस्त बाल काटे, फिर जावेद भाई सादिक और दूसरे लोग आ गए, उनके तो बाल थे नहीं बाल उनके 79 में चाचा थे उस टाइम थे, इस टाइम इफ्तिखार अहमद अब से खेल रहे हैं। ओए मिस्र की मम्मी, ओए बी जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी कम बैक एंड हैव अनदर गेम फॉर देम। And जी welcome back to किसका फोन है? अहमद हम लाइव है। ओह सॉरी, हेलो वेलकम वापस वापस फॉलो कर रहे थे उसको अभी याद है वो तो उन्होंने वापस फॉलो कर दिया फौरन। ओके जी, पीछे मारना चाहिए ना ताकि इस साइड पे हमने भी तो मारे हैं उस पर थोड़ा सा पीछे से मारे। ये कह रहे हैं कि शॉर्ट बॉल देखिए ना कहां पर आ रही है, वेस्ट साइड पे बिल्कुल पक्का मिडिल पे, इट सिट्स अप हियर। ये पिच वो नहीं थी जिसमें उस तरह का बाउंस था, यहाँ पे बाउंसर करने के लिए शॉर्ट बॉल करने के लिए थोड़ी लेंथ पीछे करनी थी जो कि इन्होंने नहीं की। हां इतनी पेस भी नहीं थी जी, फर्गुसन पे बड़ा रिलाय कर रहे थे और रिलाय करते हैं लेकिन उन्होंने आज वो ऑफ कलर नजर आए बिल्कुल। चलिए ये जिस वजह से भी हुआ ये शॉर्ट फॉर्मेट गेम है ना 2020 ओवर्स का, ये ज्यादा अच्छी बात कर रहे हैं अहमद क्या कह रहे हैं 2020 ओवर्स के गेम में ना ये शॉट लगेंगे क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर होते हैं मारना ही मारना है। मैंने तो देखे अभी आप देखिएगा कि कितने ऑन मैचेस ने भी यहाँ का बॉल वैसे आम मैचों में 50 ओवर में कोई मार ही नहीं सकता मगर इस वक्त यहाँ भी आएगा तो वो सर यही बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटेंट रहता है और उस पे आपके यू नो मैंने सिट्स अप आपके एरिया में आ जाती है तो फिर तो जाएगी लेकिन आप हारिस से यू कैन टेक नथिंग अवे फ्रॉम हिम। इस तरह तीनों मैचेस में उन्होंने इंटेंट शो किया है, देखे यही हम चाहते हैं कि किसी को एक मैच पे आप इतना ऊपर ना ले जाएं कि उसके बाद दोबारा उसको जब डिसअपॉइंट, लेकिन जिस तरह वो जा रहे हैं स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इट्स अ फिनोमिनल टैलेंट, अल्लाह करे पाकिस्तान को ये फाइनल में भी करके दे और आगे लेके चले। ये शॉर्ट रेट में यहाँ तक कि हाइट जब भी है ना वो सब लगेगी, यूं लगेगी या यूं लगेगी, बैट्समैन तुला हुआ होता है उसको पता है मैंने मारना है। ठीक है जी माहिद भाई वेलकम टू द स्टूडियो, व्हाट डू यू हैव फॉर अस? सबसे पहले तो पीएम साहब जो हैं हमारे वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं टीम को, पैशन कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन, इन्होंने कायदे आजम की तरह अपने तीन उसूल बना के बोल दिया कि पाकिस्तान जो है ये सब शो करके जीता है। इसके अलावा DGISPR की ट्वीट आई, हमारे पास बहुत सारी ट्वीट्स हैं तो मैं जल्दी जल्दी नाम ले लेता हूँ और जो स्पेशल मेंशन होकर उनका बता भी दूंगा। DGISPR हैं, इमरान खान ने जो है उर्दू इंग्लिश दोनों में ट्वीट की, अपने धरने से थोड़ा साइड पे होकर उन्होंने कहा नहीं टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर, पिछली जो निकल गई DGISPR अहमद साहब है पीछे इमरान खान साहब थे, इमरान खान बाबा रहमान वाली ट्वीट थी, बाबा रहमान वाली नहीं थी मामू लग की थी, इमामुलक की ट्वीट थी। हाँ इमामुलक भी ये आ गई मां, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज, बाबर चुप कराते हुए बोला है कि लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज, बाबर की तस्वीर लगाई है चुप करते हुए किसी मैंने सी एंड हेट अपनी स्प्रेड लव एंड सपोर्ट हिम इमामुल हक। वाओ
अच्छा खैर अहमद शहजाद सपोर्ट्स मामूल हक इफ्तिखार अहमद जो है वो भी जो है पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे रहे थे। चीफ सिलेक्टर साहब फाइनली ट्वीट किया है और कहा चैंपियंस बिलीव इन देमसेल्व्स इवन व्हेन नो वन एल्स डज। एकदम एकदम बोल पड़े 3 साल के लिए नौकरी पक्की। इससे पहले कहां थे वो? वो गायब थे, उनको डर लगा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। खैर मोहम्मद आरिस जो है वो भी थैंक यू बोल रहे थे सबको दुआएं करने के लिए। शादाब खान थैंक यू बोल रहे थे। ये आज के प्लेइंग प्लेयर्स हैं जो आज खेल रहे थे। हफीज साहब जो है सीन्स अनरियल बट इट्स रियल, फाइनल पाकिस्तान जिंदाबाद। अहमद शहजाद साहब की भी ट्वीट मैंने डाल दी, कह रहे हैं यही तरीका है, इसी तरह खेलना है, इसी तरह जीतना है। वो कोट ट्वीट मैंने जो दूसरी की थी जिस पे मैंने मेंशन किया था, उसकी जेलसी करनी वो बहुत बड़ी हो रही थी। मैंने कहा जो मेन ट्वीट है वो दिखा देते हैं। शोएब अख्तर टी20 वर्ल्ड कप फाइनल फॉर पाकिस्तान, बॉयज हैव देयर टिकट टू मेलबर्न। मेलबर्न में हमने 92 का वर्ल्ड कप खेला था। वो तो कह रहे थे कि पाकिस्तान वापस आ रही है। नहीं नहीं अब पलट जाएंगे, पलटना तो पड़ता है, पलटता है झपटता है, वो शेर भी है बड़ा मशहूर। खैर सईद अजमल पाकिस्तान इनटू द सेमीफाइनल जो है वो बोल रहे हैं। मोहम्मद हफीज की एक और ट्वीट थी, पाकिस्तान जगह रास्ता बना रहे हैं। यासिर अमीर थे, जुनेद खान आ गए हमारे पास, फखर जमान ने भी जो है तारीख की बेचारे इंजर होकर भाग गए थे वापस। शायद आफरीदी ऑफ टू द फाइनल, सोएब मकसूद पाकिस्तान जिंदाबाद। कामरान अकमल हैं हमारे पास, वो भी तारीफ कर रहे हैं, हर बंदा तारीफ कर रहा है। वसीम अकरम, आबिद अली, यासिर शाह ने तो इकबाल डे का मेंशन किया कि इकबाल डे था आज, तो चले उसमें भी है। वकार यूनुस, अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस टू द एंटायर नेशन इन द फाइनल। शोएब मलिक की भी ट्वीट आई है, अभी थोड़ा इंडियंस की तरफ चलते हैं। शोएब मलिक की ट्वीट इसमें हर्षा ने क्या बोला, हर्षा बोगले जो है जाहिर है वो यही बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी कहानी लिखने बैठता टी20 वर्ल्ड कप की तब भी वो इतनी अच्छी ना लिख जाता। हर्षा बोगले की बहुत अच्छी ट्वीट थी। बाकी इंडियंस बहुत सारे तारीफ करते नजर आए। सुरेश रायना ने कहा कि बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान। इरफान पठान की ट्वीट आई, कार्तिक की जो है उनकी ट्वीट आई कि भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कमबैक किया है। सिर्फ अमित मिश्रा जो है वो जले हुए सड़े हुए बैठे हुए स्टे ऑन अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जो है कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने अपसेट किया है न्यूजीलैंड को, जबकि पाकिस्तान ने बड़ा डोमिनेट करके डोमिनेट किया, हमने इनको अपसेट किया है, उनको किया हमने, अमित मिश्रा किया हमने, अमित मिश्रा को अपसेट किया हमने। वो बेचारा कहीं होता नहीं रेलेवेंट रहने के लिए, इस तरह की बातें करते हैं, आई डोंट नो क्यों करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल ये सही कह रहे थे ना, ट्विटर पे ही रेलेवेंट रहते हैं आप जब नहीं रहते। लास्ट मिनट इयान राफेल बिशप भी तारीफ कर रहे थे, सारे ओवरऑल पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स तारीफ कर रहे थे। आखिरी जो SM03 है वो चलाते हैं, 4 मोमेंट्स हैं, वो जल्दी से वो देख लेते हैं। PSL मीम थी एक कि तुम लोग ऐसे टारगेट पर 10 विकेट से आ रहे थे ना, कोहली और विलियम्स, ये एक बड़े मजे की मीम थी जिसपे आज पूरा ट्विटर पागल हुआ था। एक ये जो तस्वीर थी इस पे सब पागल हुए थे, जो आपके बाबर और रिजवान एक दूसरे को हक कर रहे हैं ये तो हमने बहुत देखा है, लेकिन शाहीन आके उन दोनों को उठा लिया। वाह, तो उन्होंने कहा भाई फिटनेस कोई बात नहीं, हाँ मुझे लग रहा था कहीं इंजरी ना हो जाए। ओके जी, इंडिया जो पाकिस्तानी थे 152 फॉर नॉट की शर्टें पहन के आए हुए थे। आखिरी जो मेरे से सवाल किया था, वहाब रियाज जो है कह रहे थे कि आमिर के बारे में सब कह रहे हैं कि सर्फ खा लिया, आमिर चॉकलेट खा रहा है, और लेकिन मोहम्मद आमिर ने ट्वीट अभी भी नहीं की पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट करने के लिए। आमिर ने अभी भी ट्वीट नहीं की, और इस बात पर हम कहते हैं खुदाफिज़ और आमिर को मैसेज दें, आमिर अगर हम फाइनल जीतेंगे तब तो कर देना यार। Joshua! Joshua!